अर्थप्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपने देखा होगा, दो तीन दिन पहले सीएम हरियाणा माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके वीडियो के तहत उन्होंने ये कहा था कि अपने कार्यकर्ता को कि मैं तेरी गर्दन इस फरसे से काट दूंगा। इस वीडियो को बहुत एक सुनियोजित तरीके से प्रस्तुत किया गया। अब जब हमने इस वीडियो के तहत तक गए, जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, विपक्ष ने एक मुद्दा लेकर कह दिया कि मुख्यमंत्री एक गुंडे की तरह बिहेव कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को ऐसे सभ्य भाषा बोलनी चाहिए, एक पर्टिकुलर कौम को एक निशाना बनाया गया। लेकिन जब हम इस बात की गहराई तक गए कि ये गहराई में क्या है, तो हमने उसमें देखा कि सीएम साहब ने अपना स्पष्टीकरण दिया इस वीडियो के तहत। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, देखिए इस वीडियो में क्या सीएम ने अपना स्पष्टीकरण दिया। देखिए मित्रों, 5 साल पहले बहुत ही मेहनत करके जनता के खून पसीने की कमाई को बचाने के लिए हमने इस नई संस्कृति को जन्म दिया था कि ये चांदी के मुकुट, सोने के मुकुट और जिस प्रकार की ये संस्कृति चल रही थी उसको हमने बहुत, जिसको कहना चाहिए, बेरहमी से बंद किया था। और आज भी अगर कोई व्यक्ति और खासकर मेरा अपना कार्यकर्ता मुझे जानकारी दिए बिना मेरे सिर पर मुकुट बांधेगा चांदी का, तो मित्रों मुझे स्वाभाविक गुस्सा आता, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मेरा अपना कार्यकर्ता है, मेरा बहुत अच्छा पुराना परिचित है, सरकार का भी हिस्सेदार रहा है वो, और कोई उसने बुरा भी नहीं माना है। इसलिए ये जो कांग्रेस की संस्कृति थी वो हम अपनी पार्टी में, इस प्रदेश में कभी आने ही नहीं देंगे, कभी नहीं आने देंगे। और ये अच्छा किया कांग्रेस के ही व्यक्ति ने ट्वीट कर दिया, और ये उसके उसके गले का एक हार बनेगा ये। और उसके बाद जिस अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा, हर्षवर्धन भारद्वाज जी ने भी अपना ये स्टेटमेंट दिया, जिसके तहत आप हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा। कल से मेरे और मुख्यमंत्री के बीच में संवाद को मीडिया के ऊपर बहुत जोर शोर से और अन्यथा भाव से प्रसारित किया जा रहा है, उसके बारे में मुझे भी कुछ अब कहना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा का मेरे स्काईलार्क स्कूल के पॉइंट के ऊपर स्वागत किया गया था। मुख्यमंत्री जी को हमने वज्र अस्त्र भेंट किया, उन्होंने बड़े प्रेम से उसको स्वीकार किया। भीड़ का उत्साह बहुत ज्यादा था, मुख्यमंत्री जी भी उत्साहित थे, हम भी बहुत ज्यादा उत्साहित थे। उस उत्साह में किसी भी कारणवश एक मुकुट उनके सिर के ऊपर रखा गया, और क्योंकि कार्यक्रम मेरा था और मुख्यमंत्री जी इन चीजों के खिलाफ भी हैं, और यह हमारी गलती थी जिसको मैंने उसी समय स्वीकार कर लिया था कि भी ये गलत हो गया है। तो मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे और उनके सिर के ऊपर मुकुट, वो भी उस संस्कृति के खिलाफ है, वो रखा जाए तो उनको गुस्सा आना तो स्वाभाविक होता है, वो भी एक इंसान है। और फिर उन्होंने गुस्से में स्वाभाविक रूप से अपने आप आदमी को कहा जाएगा। मैं सबसे नजदीकी मैं था उनके, मैं उनका छोटा भाई हूं और वो मेरे बड़े भाई और पिता तुल्य समान है, हमारे बहुत 31 सालों से अंतरंग संबंध है। आपने ये दोनों वीडियो देखे होंगे, इससे आपने जजमेंट लगा ली होगी कि ये वाक्य क्या था और क्या बन गया। लेकिन इस स्पष्टीकरण के बाद एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है, ये सभी का ये इलेक्शन एक त्यौहार की तरह होता है, सभी को एक प्यार मोहब्बत से इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन ऐसी बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जिससे हमारा भाईचारा खराब हो। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।